India's best learning app. हेलो एंड वेलकम वेलकम बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ेंगे और साइंस में हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो होगा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में। बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आने वाले समय में जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में भी लगभग अच्छा वेटेज है इसका, आप एक बार देख लेना, लगभग 10 से 12 नंबर के बीच में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि इसमें हम वो सारी ही चीज़ों को पढ़ेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए और हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, टोटल 8 से 10 घंटे का लेक्चर होगा इसके ऊपर में। बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक एक करके मैं बताऊंगा आपको सारी ही चीज़ों को, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बढ़िया से एकदम समझ में आएगा आपको। शुरू करते हैं, चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, आज के डेट में आप इमेजिन करो लाइफ कैसा होगा अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो। आप ऐसे लाइफ को इमेजिन तक नहीं कर सकते हो जहां पर आपको फ़ैन एक्सेस करने ना मिले, एसी एक्सेस करने ना मिले, टीवी एक्सेस करने ना मिले, आपके पास फ़ोन ना हो, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगा, फ़ोन चार्ज ही नहीं होगा तो फ़ोन भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ आज के लिए, अभी जो हम लोग 21st सेंचुरी में आज हम लोग जी रहे हैं, वहाँ इस बात का हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो। दैट मीन्स कि आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए ये है क्या, तो आपको जस्ट ये कहना है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पूरे वर्ल्ड वाइड में ये सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला एनर्जी का एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। ये बात समझ में आया आपको? इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है आज के डेट में। बच्चों, क्लास 10th से लेकर 11th और 12th तक इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू स्टेट्स, मतलब रेस्ट। अगर कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होगा बच्चों, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, है ना। तो बहुत ही डिटेल से हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप ऑलरेडी क्लास 8 में या 7 में पढ़े होंगे, लेकिन एक बार फिर से देखिए बहुत ही डिटेल से। लगभग आज का पूरा लेक्चर हम लोग बेसिक चीज़ों को ही समझेंगे, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, आखिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में चार्ज आता कैसे है, क्यों चार्ज आता है, कितने तरह से चार्ज आता है, चार्ज होता क्या है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका जो दूसरा हेडिंग होगा इसके अंदर में वो होगा चार्ज। आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक लाइन लिख लो जल्दी से, फटाफट हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिसिटी और उसके नीचे पहले एक बात लिख लो कि इलेक्ट्रिसिटी, लिखिए इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी बात लिखिए इसमें, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज। वाइडली यूज कहने का मतलब है ना, हर जगह इसका यूनिवर्सली इसका हम यूज आज कर रहे हैं, वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, widely used form of energy हो गया। एक बात और लिखिए इसमें, एक डायग्राम बना लो फटाफट से, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक काम करते हैं, नया पेज लेते हैं, बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप हेडिंग लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी, लिखा आपने, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। एक तरफ लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट।
बच्चों ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हमारा होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब जब 11th में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 12th में इलेक्ट्रिक करंट करके, ऐसे दोनों ही चैप्टर्स को अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इन सब चीज़ों पर, बस मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दूंगा क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हम चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप लिखिए इसमें स्टैटिक वाले में, हेडिंग लगाओ यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, लिखो एक लाइन द इलेक्ट्रिसिटी, लिखो इसमें मैं लिखवाता हूँ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, लिखिए द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रेस्ट, द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रेस्ट, और इधर लिखोगे आप द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंज इन मोशन, द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंज इन मोशन, और इसमें द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंज इन रेस्ट। रेस्ट कहने का मतलब पोजीशन, रेस्ट कहने का मतलब पोजीशन। चलिए तो बस ये छोटा सा एक बेसिक जानकारी था इसके बारे में, इसको इतना ही रहने दो, और अब जाके नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जो हम लोग आज बहुत डिटेल से कवर करेंगे। लिखिए चार्ज, फटाफट हेडिंग लगाइए चार्ज। आपने बहुत बार सुना होगा इस बात को, इस वर्ड को, 7 में 6 में 8 में पढ़ते समय कि चार्ज दो तरह का होता है, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, ये सब बात आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे। जल्दी से हेडिंग लगाओ चार्ज। कोई बच्चा हमको बताओ चार्ज होता क्या है, जल्दी आप में से कोई एक आदमी बताइए चार्ज होता क्या है, चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, कोई भी। देखो एक बात समझो, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, किसी भी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने सुना है ना कि कोई भी जो मैटर होता है उसके पास दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक या तो फिजिकल एक या तो केमिकल, वैसा प्रॉपर्टी जो उसके फिजिकल चीज़ों को दर्शाता है, जैसे उसका कलर, टेक्सचर, शेप, साइज, टेक्सचर, पोस्चर, बनावट, ये सब जो चीज़ें वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा किसी ऑब्जेक्ट का केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि उसका इंट्रा मॉलिक्यूलर लेवल पर अरेंजमेंट कैसा है, या फिर वो चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो हवा के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ, तो ये सब जो चीज़ें हैं, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, तो रिएक्टिविटी जहाँ आती है वहाँ हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी को, और जहाँ केवल शेप, साइज, टेक्सचर, पोस्चर, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो वो होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बात समझो। तो किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज। यानी आपसे अगर पूछा जाए चार्ज होता क्या है तो आप कहोगे ये किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है, किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है। सर थोड़ा सा और बताइए किस तरह का ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो समझिए ये वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी मैटर को इस लायक बनाता है कि वो मैटर जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद दिलाना मुझे, मैं एक नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दूंगा क्या होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होने के वजह से उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। मतलब सपोज करो कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने ये ए नाम के एक पार्टिकल को रखा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने के वजह से इस ए पार्टिकल पे एक फोर्स फील होगा, या तो वो फोर्स रिपल्सन का होगा, या तो वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा, जो भी हो, व्हाटएवर, लेकिन फोर्स फील होगा। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो किसी मैटर को इस लायक बनाता है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। समझ में आया, फिर से एक बार सुनो, चार्ज वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख लो, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी भी, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे टीचर्स पूछ सकते हैं, लोग अक्सर पूछ दिया करते हैं चार्ज होता क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे बताने लगते हैं कि सर चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव वो तो टाइप हो गया उसका, एक्चुअल में चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में चार्ज क्या है, किसी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उस मैटर में ऐसा नेचर लाता है कि वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रह करके अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को फील कर सकें। समझ में आ रही है बात। ये सेम चीज वैसा ही है जैसा हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड। आप एक बात बताओ, चार्ज के बदले आप अपने दिमाग में एक मैग्नेट को सोचो। आप जब किसी एक मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के रखते हो,
कहाँ रखते हो? किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई दूसरा मैग्नेट रखा जाता है तो उसके ऊपर एक सर्टेन फोर्स फील होता है, या तो वो फोर्स रिपल्सन का होगा या वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा, लेकिन वहाँ पर फोर्स फील होता है। अभी सर कहोगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होगा, तो यहाँ अनदर कोई एक हैवी मैग्नेट रखा हुआ है जिसके वजह से उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होकर के है। फिर से समझिए इस बात को थोड़ा सा और बढ़िया से। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा मैग्नेट रखा, तो इस मैग्नेट के वजह से एक सर्टेन एरिया में इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, है ना? बिल्कुल। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर के आओगे तो वो मैग्नेट उसके ऊपर में एक सर्टेन फोर्स एग्जर्ट करेगा, या तो उस मैग्नेट के ऊपर में रिपल्सन का फोर्स लगाएगा वो, या अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, जो कि डिपेंड करेगा इस मैग्नेट के पोल के ऊपर में। अगर मैग्नेट का हेवी मैग्नेट का नॉर्थ और इसका साउथ अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा, अगर सेम पोल एक दूसरे के सामने है तो रिपेल करेगा। लेकिन ऐसा होगा, आपको फोर्स फील होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आप मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए तो ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि उसको फोर्स फील हो। उसी तरीके से जब आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाओगे, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाओगे, तो उसको भी फोर्स फील होगा। यही प्रॉपर्टी, यही फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। तो आई होप आपको चार्ज क्या होता है ये बात समझ में आ गया। कुछ बच्चों को डाउट होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया, मैग्नेट रख देंगे बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए भी आपको चार्ज रखना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पर कोई चार्ज एक्युमुलेट करवा दिया तो उस चार्ज के वजह से एक सर्टेन एरिया में इसका अपना खुद का एक फील्ड बन जाएगा, जहाँ पर किसी दूसरे चार्ज को ये या तो रिपेल या तो अट्रैक्ट करने का एक फील्ड बना लेगा, जहां पर किसी दूसरे चार्ज्ड बॉडी को ये फोर्स फील करा पाएगा। समझ में आया आपको? सपोज करिए आपके घर में, देखो हर आदमी का अपना एक फील्ड होता है ना, हर ऑब्जेक्ट का। तुम्हारे घर में जब पापा सामने होते हैं तो हम लोग बदमाशी नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जब पापा एंटर करते हैं रूम में तो उनका अपना एक ऑरा बनता है, एक फील्ड बन जाता है, और उस फील्ड में रह करके तुम बदमाशी नहीं करते हो। समझ में आ रही है ना बात? तो वैसे ही जब मैग्नेट को रखते हैं तो वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कहीं पर चार्ज को रखते हैं तो वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कहीं पर किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, उसके बीच में अगर आप कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस पर ग्रेविटी फील होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हमने देखा चार्ज क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आपको याद रखना है आज से लेकर के आने वाले समय तक। आप इस चीज़ों को लिख लीजिए, छापिए, जो भी लगता है आपको छापना चाहिए फटाफट। चलो सब कुछ को साफ करो और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ों को लिखिए फटाफट से, चार्ज के बारे में ही, और कुछ कुछ चीज़ों को आप लिखिए। चार्ज के नीचे एरो देके सबसे पहला बात लिखो, ऑल द मटेरियल्स लिखिए, ऑल द मटेरियल्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर हो रहा है तो जाके डूब के मर जाओ नालायकों। बहुत 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 लगभग क्लास 7-8 से ही बताते आ रहे हैं हम कि कोई भी जो एटम होता है, जैसे हम लोगों का बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, वैसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका बॉडी, उनका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। जिस इंडिविजिबल पार्टिकल्स को सबसे पहले डेमोक्रेटस साहब ने नाम दिया था, किसका, एटम का। उन्होंने कहा था, ग्रीक में एक वर्ड होता है एटम जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, तो उन्होंने कहा था कि सबसे जो छोटा इकाई होगा, यूनिट होगा, हम उसको बोलेंगे एटम। लेकिन बाद में फिर उनके कॉन्सेप्ट को हमने चेंज करा था, वो 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हों। चलिए दूसरी बात लिखिए इसी में, एन एटम, ये 1-2 आप मत लिखना, आप बस पॉइंट लिखते चलो। एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये बात भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब हम लोग क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि अगर आपके सामने कोई एटम आपको दिखाई दे तो वो एटम टोटल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से या 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनमें हमने तीनों को नाम दिया था, एक को इलेक्ट्रॉन, दूसरे को प्रोटॉन और तीसरे को न्यूट्रॉन।
मैंने कहा था कि जब आप आगे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर से दो चीज़ों में ब्रेक होता है, पॉजिट्रॉन में, एंटी न्यूट्रॉन में, लेकिन वो आपको अभी नहीं जानना है। आप बस ये समझिए कि दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स और ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। हालांकि ये भी डिवाइड होते हैं ऐसा आप जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना कि हमारा जो प्रोटोन है ये फर्दर डिवाइड होता है पॉजिट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉन में, याद है ना। चलिए तो फटाफट से लिखो, एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में, किस किस में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अगली बात, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने पास नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन जो होता है अपने पास वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब आप कह सकते हो कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है और ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज इसके पास होते हैं। समझ में आ गई बात। और एक बात ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपसे पूछा जाए कि इनके ऊपर कितना का चार्ज होता है तो रिलेटिवली हम लोग कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास -1 का चार्ज होगा, प्रोटॉन के पास +1 का चार्ज होगा और न्यूट्रॉन के पास 0, मतलब कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अगर हमसे ये रिलेटिव चार्ज है, कैसा है ये रिलेटिव चार्ज, अगर हमसे एब्सोल्यूट चार्ज पूछा जाएगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब का। कितना होता है? -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोटॉन के बारे में तो प्रोटॉन के ऊपर में इतना ही चार्ज होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है, मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब का चार्ज पॉजिटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव में होगा। और न्यूट्रॉन भाई साहब के पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये सी कूलम्ब का यूनिट है, सॉरी चार्ज का यूनिट है, जिसका मतलब होता है क्या, कूलम्ब। इसको इतना बात आपको याद रखना है। आई होप ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से फटाफट इसको छापो फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर आपने इन सारे चीज़ों को देखा तो अब आप एक बात समझिए, हमारे पास, हमारे आसपास में जितने भी मैटर होते हैं, आप मैटर को ऐसे ले लो एज अ एटम, क्या ले लो आप मैटर को, उसके सबसे छोटे इकाई से देखो एज अ एटम से, तो हमारे आसपास में जितने भी मैटर्स होते हैं उनके अंदर में जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली होता है न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम के अंदर में तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, ये बात तो सही है, लेकिन एक खास बात इसमें क्या है कि इसमें द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एक एटम के अंदर में, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं तो इसीलिए जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिस वजह से वो दोनों ही चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं और कैंसल आउट कर करके हमारा जो एटम होता है उसके पास नो चार्ज बचता है, उसके पास कोई चार्ज ही नहीं बचा, जिस कारण से हम उसको क्या कह पाते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इतना बात समझ में आ गया। कहने का मतलब ये, फिर से समझिए आप, कि हमारे आसपास में जो भी मैटर है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते तो हैं लेकिन उनका नंबर सेम होता है और नंबर सेम होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और जिस वजह से उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचता है। तो आई होप आपको इतना सारा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसके बाद फिर आगे देखो फटाफट से। अच्छा, किन्हीं को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूँ। देखो फटाफट से, कुछ वैसे बच्चे हैं जो 9th में मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हो सकती है नई नई रहे, लेकिन तुम जो 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए हो तो तुमको तो सारा ही बात आना चाहिए, पहले से ही मैंने ये सब चीज़ें बता रखी है। फिर से एक बार सुनिए आप, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो आप लिखो कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। समझिए, सपोज करो आपके आसपास में कोई एक एटम है सोडियम। मैं आपको आज बहुत बेसिक से समझाता हूँ कि आखिर चार्ज का फंडा है क्या, चार्ज आता कैसे है, क्यों आता है, मतलब क्या चीज़ है ये, समझिए। हमारे आसपास में एक एटम हमको दिख रहा है, कौन? सोडियम। आपको इतना तो पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11।
एटॉमिक नंबर 11 होता है, कहने का मतलब कि इसका जेड, जेड कहने का मतलब एटॉमिक नंबर जो क्या है 11। आप अगर कहीं पर सोडियम को लिखा हुआ देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, सोडियम यहाँ लिखा हुआ रहेगा 11 और यहाँ लिखा हुआ रहेगा 23। तो ये जो पोजीशन है वो पोजीशन है जेड का और ये जो पोजीशन है वो पोजीशन है ए का, दैट मीन्स मास नंबर का, जो कि इक्वल होता है पी प्लस एन। और ये जो जेड है वो इक्वल होता है पी के, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटोन्स के। अब ये नंबर ऑफ प्रोटोन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने केमिस्ट्री में आपको बताया हुआ है कि जब हमारे पास एलिमेंट्स बढ़ने लगे, ज़्यादा एलिमेंट्स हो करके आ गए, तो उन एलिमेंट्स को पहचानने के लिए हम उनको एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको एक नंबर अलॉट किए, उस नंबर को हमने कहा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम 10th में पढ़ रहे हो तो तुम जिस भी स्कूल से हो तुम्हारे स्कूल में तुमको यूनिकली पहचाने जाने के लिए तुमको एक रोल नंबर अलॉट किया गया है। सपोज़ करो तुम्हारा रोल नंबर 5 है, 10 है, 20 है, तो उससे तुम पहचाने जाते हो। उसी तरीके से एटम्स जब 100 से बढ़कर के आ गए तो उन एटम्स को पहचानने के लिए भी हमने क्या ईजाद किया, हमने एक एटॉमिक नंबर बनाया जिससे कि हम पहचानेंगे कि एटॉमिक नंबर अगर 1 है दैट मींस हाइड्रोजन है, 20 है मतलब कैल्शियम है, 12 है मतलब सोडियम है, 87 है मतलब फ्रांसियम है, तो इस तरीके से 104 है मतलब रदरफोर्डियम है। तो आपको याद रखना है चीज़ों को, इस तरीके से याद रखने के लिए हमने क्या बनाया एटॉमिक नंबर। और वो एटॉमिक नंबर फिर बाद में चूंकि सारे एलिमेंट्स के बीच में आपस में कोई मतभेद ना हो जाए, लोग ये ना कहने लगे कि एटॉमिक नंबर 1 हमको दे दो, 2 उसको क्यों दिया, तो इस तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कहा गया कि जिनके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उनका उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। यानी कहने का मतलब अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इट मींस कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे। तो एक बार फिर से मैं सबको कंक्लूड कर दूं, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझिए, अगर हमारे पास एक सोडियम का एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका कहने का मतलब इसके अंदर में 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, टोटल 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा ना कि ये हमारा सोडियम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर में पहला वाला के सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद एल सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और फिर बाहर वाले एम सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, और यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी देगा, रहने दो। तो सोडियम का बाहर में, सोडियम के एटम के अंदर में न्यूक्लियस में टोटल 11 प्रोटॉन्स होते हैं, और इन 11 प्रोटॉन्स के कारण, चूंकि एक प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 होता है, तो 11 प्रोटॉन्स के कारण इसका चार्ज कितना हो गया, +11 यूनिट। ये बात समझ में आया। दूसरी बात, चूंकि हमने केवल और केवल सोडियम लिखा है और जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इस कारण से इसके अंदर में 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और इन 11 सॉरी हमने जो ये बनाया ना वो इलेक्ट्रॉन्स को बनाया, प्रोटॉन तो यहाँ न्यूक्लियस में रहेगा, 11 को प्रोटॉन कहाँ रहेगा, प्लस 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 न्यूक्लियस में, तो इस कारण से इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, इट मीन्स कि 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -11, और इस वजह से अब जब हम इसको देखेंगे गौर से तो यहाँ +11 यहाँ -11 ओवरऑल होके कैंसिल 0, और यही 0 के वजह से सोडियम हमारा क्या है, नो चार्ज, सोडियम हैज नो चार्ज या फिर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या हो गया ये, न्यूट्रल। ये बात समझ में आया, ठीक है ना। तो कहोगे सर कि तब आखिर चार्ज आया कहाँ से, चार्ज का पंगा फिर क्या हो रहा है, तो देखो थोड़ा सा इस बात को समझो। देखो सोडियम का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसके बाहर में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, ये अरेंजमेंट सोडियम को स्टेबल नहीं होने दे रहा था, क्योंकि हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है ऑक्टेट भाई साहब का एक रूल जो कहते हैं कि अगर एटम बड़ा है, हीलियम से लिथियम से बड़ा है, तो उसके देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर वैलेंस सेल, उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इस लॉ को उन्होंने कहा था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये बात याद है आपको। तो उस हिसाब से इसके इसको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ता है, और यहाँ सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देता है, त्याग कर देता है, मतलब हमारे पास जो पहले सोडियम था वो अब क्या हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा और अपने ऊपर में प्लस चार्ज लेकर के आएगा। समझते हैं थोड़ा इसको कैसे। तो देखो पहले जो सोडियम था उसमें देखो क्या था, पहले वाले सोडियम में 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था, जिस कारण से +11 और -11 कट करके 0। लेकिन जो नया सोडियम बना उसमें
अभी भी 11 प्रोटॉन है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, और प्रोटॉन को मतलब नहीं है कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, ऑक्टेव लॉ क्या है, किसी भी लॉ से कोई मतलब नहीं है उसको। मतलब किसको है? इलेक्ट्रॉन को। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ करता था? 11। लेकिन ऑक्टेव फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका किसी और को, यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 10। ये बात समझ में आ रही है? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? 10। तो अब तुम खुद ही गौर करो, 11 प्रोटॉन होने के वजह से यहाँ जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस 11 का, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से यहाँ जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस 10 का। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल क्या बचेगा? प्लस 1। इसी प्लस 1 को सोडियम के सर पे जाके रख दो और यही हो गया हमारा सोडियम कैटायन या सोडियम प्लस 1 आयन। ये बात समझ में आया? तो कैसे कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स किसी भी एटम के ऊपर में, किसी पार्टिकल के ऊपर में चार्ज को लेकर के आता है, ये आपने समझा। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाएंगे, अभी आपने देखा पॉजिटिव चार्ज को बनते हुए, आप देख पाओगे निगेटिव चार्ज को भी बनते हुए। सपोज करो हमारे पास क्लोरीन है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन भी है, चार्ज टोटल 0 है। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर पे आप गौर करोगे तो इसके पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है और तीसरे वाले में 7 रहता है। इस 7 को 8 बनने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का नीड है, और जब इसको सोडियम लायक एलिमेंट मिल जाते हैं देने वाले, डोनेट करने वाले, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ के हो जाता है 18, जबकि प्रोटोन ऑलरेडी अभी भी 17 है। जब तुम सॉल्व करोगे तो -18 प्लस 17 सॉल्व होकर के -1, और यही -1 क्लोरीन के ऊपर में जाके रखा जाएगा, यानी अब क्लोरीन का चार्ज कैसा हो गया? तो माइनस चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया हमारा क्लोरीन। समझ में आ रही है आपको? तो आई होप आपको ये सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में चार्ज कैसे होता है, कहां से होता है, कितने तरह का होता है। आप चाहो तो इसको एक बार छोटा सा चीज इसमें लिख लो, अभी तक के चीज़ों को तो आप लिखो ही लिखो। उसके बाद एक और बात लिखिए कि जितने भी चार्ज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। हमने पहले बना करके देखा कि कैसे हम किसी के ऊपर में प्लस चार्ज क्रिएट करते हैं, कैसे हम माइनस चार्ज क्रिएट करते हैं। तो एक जो हमारा चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होगा वो निगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है केटायन। क्या कहते हैं इसको? केटायन। और इस निगेटिव चार्ज को हम कहते हैं एनायन। याद रखना है आपको, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? केटायन। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम एल्युमिनियम 3+, है ना, ये सारे कैल्शियम 2+, ये सब चीज़ें क्या हो गई? केटायन के फॉर्म में। अगर हम बात करें एनायन का, तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन 3-, तो ये सब एग्जाम्पल हो गया एनायन का। अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख लीजिए Na+, Mg2+, Al3+, है ना, इसको प्लस 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे आप रिप्रेजेंट करिए ताकि आपको समझ में आएगा कि कितना निगेटिव है और कितना पॉजिटिव है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। इसके बाद इन दोनों चार्ज पे बेस एक और बात आप लिखिए कि देखो, अगर चार्ज सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर चार्ज अपोजिट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो लिखिए उसके सामने, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर कहीं पर प्लस प्लस है तो ये दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर कहीं पर माइनस माइनस है तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन यहाँ पर होगा, आपको दिखाई देगा रिपेल होते हुए, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएगा, एक रिपल्सन फोर्स यहाँ पर काम करेगा। दूसरा बात लिखिए, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर कहीं पर हमने रखा पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव, तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर मैंने रखा नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ आप लिखिए, यहाँ जो फोर्स फील हो रहा है वो कैसा फोर्स फील हो रहा है? अट्रैक्शन का फोर्स फील हो रहा है। तो बच्चों, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ रहा है ना? चलो अब एक बात समझो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में आपको टोटल चार्ज आपसे पूछा जाए, टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो आपको देखना होगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ टोटल चार्ज कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल
कुछ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपसे करवाऊंगा चार्ज के ऊपर में, ताकि आपको और ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाए चार्ज को लेकर के होता क्या है। समझिए, सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि लिखो फाइंड, मैं कलर चेंज कर दूं क्वेश्चन के लिए, मैं रेड कलर यूज़ करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बढ़िया समझ में आए। चलिए लिखिए फाइंड फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज ऑफ 1000 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 1000 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास किसी एक बर्तन में 1000 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रखा हुआ है, उसको एक्युमुलेट करवाया हुआ है, तो आपको बताना है कि उस बर्तन पे, उस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना चार्ज वो कैरी कर रहा है। जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन होता, कितना इलेक्ट्रॉन होता? एक इलेक्ट्रॉन होता, तो उसका चार्ज होता -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। हाँ या ना? बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हमारे पास, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन के वजह से इतना चार्ज, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन के वजह से इतना चार्ज, तो इसलिए 1000 इलेक्ट्रॉन के वजह से जो चार्ज होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1000 × 1.6 −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब आप इसको क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व होके ये क्या हो जाएगा? −1.6 × 10⁻¹⁶ कूलम्ब का चार्ज आएगा जितने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में। तो बच्चों यानी समझ में आपको ये आना चाहिए कि मैं आपसे अगर कहूँ कि अगर किसी कंडक्टिव वायर से, अगर किसी कंडक्टर वायर से 1,00,000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टिंग वायर में कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। अभी हम लोग इस वर्ड को नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी, तो इलेक्ट्रिसिटी मैं जब शुरू करूँगा तब बताऊँगा कंडक्टर क्या होता है, वायर क्या होता है, चार्ज कैसे मूव करता है। अभी बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप समझिए इस बात को कि अगर किसी कंडक्टर में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर में कितना चार्ज होगा। आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 1,00,000 को 1.6 × 10⁻¹⁹ से, और इतना सारा निगेटिव चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर में होगा। समझ में आ रही है? आप चाहें तो क्या कर लें फटाफट से, आप एक फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लें कि आज के बाद अगर कभी भी आपसे चार्ज पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे। लिखो फॉर्मूला, चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट करके। सबसे पहली बात लिखिए कि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल चार्ज जो हमारा होगा वो होगा q इज इक्वल टू n इंटू e। तो यहाँ से सबसे पहला फॉर्मूला आपको इस चैप्टर का मिला, q इज इक्वल टू n e, जो हम लोग आगे फर्दर यूज़ करेंगे। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, q इज इक्वल टू n e। किसी भी कंडक्टिंग वायर में आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और e क्या है, एक चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता कितना है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब करके। ये बात समझ में आ गया? दूसरी बात, अगर कल को तुमसे n पूछा जाए टोटल चार्ज दे करके, तो तुम n बराबर लिख लोगे, यहाँ से q के नीचे आ जाएगा e, तो n बराबर q बाई e। या फिर कल को आपसे इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ लिया जाए या इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ लिया जाए, तो वो कैसे निकलेगा? q बाई n करके। तो यहाँ से टोटल तीन फॉर्मूला आपको मिला, जो तीनों ही आपको याद रखना है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आप कल बना करके लाइएगा, मुझे दिखाइएगा चैट वाले सेक्शन में, आप उसका इमेज भेजिएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेट चार्ज इफ 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर से 1,00,000 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो आपको नेट चार्ज बताना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? q इज इक्वल टू n इंटू e। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इफ 4.8 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows from a conductor, then find
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला क्या था, एन इज इक्वल टू के बाई ई, मैंने पहले बताया हुआ, आप देख लेना वहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ठीक है, बस इसी दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करो, सॉल्व कर करके लाना, और इसके बाद जो है सो कल से हम लोग अपने अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, जेन्यून इलेक्ट्रिसिटी जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में वो शुरू करेंगे। ये हमारा आज का बेसिक क्लास था, आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने पहले से भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बताया ताकि चूंकि सभी तरह के बच्चे जुड़े हुए रहते हैं, सारे ही बच्चे पढ़ते हुए होते हैं, अगर आपको ये चीज़ पहले से भी आता था तो फिर भी आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, आपको पूरा विजन क्लियर हुआ कि आखिर क्या होता है चार्ज। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपको ये सब चीज़ नहीं पता था, तो आपके लिए भी बढ़िया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से इसको एक बार फिर से रिवाइज करके रखो, जब तुमको कल दूसरा वीडियो मिलेगा तो उससे पहले तक के लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप।